देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल के उज्जैन दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। बता दें कि महाकाल लोक में डोभाल के ऊपर उड़े एक ड्रोन उड़ाने को लेकर जेड प्लस सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। महाकाल थाना पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले युवक को खोजकर उसके खिलाफ केस दर्ज किया और ड्रोन भी जब्त कर लिया है। शनिवार रात NSA अजीत डोभाल धार्मिक यात्रा पर महाकाल मंदिर दर्शन करने के बाद हरसिद्धि मंदिर और काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए गए थे। यहाँ से लौटने के दौरान डोभाल ने महाकाल लोक देखने की इच्छा जताई थी और इसके बाद वे महाकाल लोक में आए और उन्होंने ई कोर्ट में बैठकर महाकाल लोक को देखा था। उनकी यात्रा के दौरान महाकाल लोक में सफेद कलर का एक ड्रोन काफी देर तक उड़ता रहा, जिससे डोभाल की सुरक्षा में लगे अधिकारी और अन्य पुलिस कर्मी सकते में आ गए थे। संज्ञान में आया कि ये अनधिकृत रूप से कोई व्यक्ति जो है ड्रोन उड़ा रहा है महाकाल एरिया में, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है ड्रोन के हिसाब से, बिना परमिशन को वो ये उड़ा रहे थे, तो इसलिए उनको हमने वो ड्रोन को और जो ड्रोन उड़ा रहे थे व्यक्ति उनको दोनों से अपने पूछताछ की और उस वक्त पूछताछ करने के बाद उनके पास अनुमति कोई नहीं थी, तो इसके बाद उन पर जो है हमने धारा 188 के तहत जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए उन पर कायमी की है और उनका ड्रोन जो है उसको भी जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा।